हेलो दोस्तों, यह है स्टैट प्रो स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। ये मैंने डबल क्लिक करके ऑन कर लिया। सबसे पहले आपको इंडियन कोड पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम बिल्डिंग इंडियन कोड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। फिर न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो आप देख रहे हो या रिसेंट प्रोजेक्ट पे काम किया गया वो है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे स्पेस यानी कि 3D स्ट्रक्चर, प्लेन यानी कि 2D स्ट्रक्चर, फ्लोर यानी कि स्लैब, ट्रस यानी कि ट्रस स्ट्रक्चर, फाइल का टाइटल day 1, यहाँ पे लोकेशन कहाँ सेव करना है, यूनिट मीटर एंड किलो न्यूटन फोर्स, यस। देन एड बीम, अगर आप लगाते हो, एड बीम का मतलब है कि आपका माउस का जो कर्सर है वो बीम बनाएगा, डायरेक्टली कहीं पर भी क्लिक करोगे। सेम एस प्लेट यानी कि स्लैब बनाएगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाएगा, कहीं पर भी माउस से क्लिक करोगे। तो अगर ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड पे क्लिक करके आप फिनिश करते हो तो एक एप्लीकेशन खुलेगी जिसमें पहले से कुछ स्ट्रक्चर बने होंगे, आप वहाँ से इंपोर्ट करके एडिट करके आप अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ स्टैट प्रो एडिटर, इसमें हम प्रोग्रामिंग के थ्रू, कमांड के थ्रू, बिना माउस को हाथ लाए हम टाइप करके केवल बेसिक चीज़ें माउस से क्लोज करना, ओपन करना यूज़ करके हम कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लोड भी लगा सकते हैं। इंजीनियर की इन्फॉर्मेशन डालनी है तो उसके लिए ये टैब हो जाएगा, लेकिन हम एड बीम में जाकर ये सारे काम कर सकते हैं। देखिए हमारा माउस जो ब्लिंक कर रहा है, हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमारे मेंबर्स बन जाएंगे। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल मेंबर्स को, और यहाँ से आप स्टैट एडिटर है, यहाँ पे एडिटर हो गया प्रोग्रामिंग के थ्रू। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको, जॉइंट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के हमारे जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है 0 0 है, सेकंड कोऑर्डिनेट जिसके हमारे 5 मीटर पे एक्स है, उसके बाद मेंबर इंसिडेंस, एंटर मेंबर नंबर 1 कनेक्ट 1 2 से, इतना क्लिक के देखिए। मैं बस केवल बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग के थ्रू भी आप बना सकते हैं। देखिए एक मेंबर बन चुका है, इस मेंबर को क्लिक करके आप ट्रांसलेट करके किसी भी डायरेक्शन में आप कुछ भी इससे बना सकते हैं। इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करते हैं हम एक्स डायरेक्शन में, कुछ स्टेप्स ओके। नीच के बेसिक जो है फ्रंट व्यू में जाके बेसिक बेस के बीम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सपोर्ट लगा सकते हैं, फिक्स सपोर्ट में लगा देता हूँ, फिक्स सपोर्ट हमने यहाँ पे ली, बेस पे लगा दी। प्रॉपर्टी देनी है कोई भी एक प्रॉपर्टी, मैं एज्यूम कर लेता हूँ डिफाइन रेक्टेंगुलर 0.3 to 0.25, एंड एड एंड क्लोज एंड असाइन टू ऑल मेंबर्स। लोड में जाते हैं, एड लोड, डेड लोड, डेड लोड में ऐड किया, क्लोज डेड लोड के अंदर अब ऐड किया हमने सेल्फ वेट और मेंबर लोड -5 किलोमीटर पर मीटर, और हमने सेल्फ वेट को असाइन टू व्यू कर दिया, और हमने इसको असाइन कर दिया है यूज बाय कर्सर। इस तरीके से, और हमने इसको फिर एनालिसिस एंड प्रिंट किया और एनालाइज कर दिया, और इस तरह से आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख सकते हो। ये रहा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये रहा इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम। तो थैंक यू वेरी मच।